नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, कश्मीरी पंडित नेपाली नागरिक की हत्या में थे शामिल। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य लोग भी हुए शामिल। भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई हुई स्थगित, राज्यसभा में भी विपक्ष का हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की लिक्विड एक्सप्लोजिव साजिश का पता लगाएगा एलईडी, पुलिस महकमा जल्द खरीदेगा मशीन। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों से बनी अवैध संपत्तियां जल्द होंगी सील, सख्त कार्रवाई के साथ जमींदोज किए जाएंगे ढांचे। जम्मू कश्मीर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के 31,000 कर्मचारी 180 दिन से हड़ताल पर, कामकाज हो रहा प्रभावित। जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध, पनीर और अंडा भी मिलेगा, अप्रैल माह से शुरू होगी नई व्यवस्था। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।